अपना शक्ति की चिंता हर पल सतावे, काई उसी भी को। बच्चों है बात, धीरे धीरे सब समझ जाओ लोग। पर शक्ति, अगले महीने तू हॉस्टल जा रही हो। क्या? हॉस्टल नहीं जाऊंगा मैं। नया नया आया है और आते ही शुरू हो गया। तो उनकी हमको कमजोरियां देखनी पड़ेगी और उन्हें दूर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। ये स्कूल है या कुश्ती का सर? मैम, उसकी उम्र कुछ भी रही हो लेकिन वो एक विद्यार्थी है। ऐसे बच्चे को तो क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। एग्जैक्टली, ऐसे बदतमीज लड़के को तो सजा मिलनी चाहिए। लगाते मैडम कान के नीचे उसको। सर, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे स्कूल से हर स्टूडेंट को फायदा मिले, चाहे कोई इंटेलिजेंट हो या कमजोर हो। निकल जाओ मेरी क्लास से और बाहर जाके खड़े हो जाओ। तो पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं लगाता? सुचित्रा मैडम ठीक कहती है, इसमें बहुत ज्यादा एटीट्यूड भरा पड़ा है। सर, हमें मेरिट की ना सोचकर ये सोचना चाहिए कि हमारे सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर एजुकेशन मिले। टीचर, अगर आप अपने आप को टीचर और मुझे स्टूडेंट समझती ना, तो आपके दिल में मेरे लिए इतनी नफरत नहीं होती। रास्ता बना के मंजिल दिखा के फूटेगी क्रांति, जागेगी जान।